है बलि और काल का भी काल है। भद्र भक्ति का अनुपम पार्श्व सारंग का गदाधर महाबली उद्विष्ट कुंती का ये लाल है। आज हमने और दीदी ने एक निर्णय लिया है। आज से हमारे पुत्र हर एकादशी का व्रत करेंगे और श्री हरि की पूजा करेंगे। माता, ये एकादशी कितने दिनों में आती है? ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो भीम ना कर सके। तो फिर देख ही लेते हैं कि आज भीम राजा माताओं के हाथ से भोजन ग्रहण कैसे करते हैं। चलो आज देख ही लेते हैं। हरिओम तत्सत। लो विप्रवर भी आ गए। प्रातः आज की कहानी में अधिक आनंद आ गया, परंतु भीम राता की कमी। सत्य कहा अनुज। चलो कुटिया की ओर। प्रणाम। देवियों और भोजन नहीं है? नहीं नहीं अधिक है ना। माद्री जाइए, अधिक भोजन लेकर आइए। जी। देवियों और भोजन नहीं है? जाइए माधुरी। हाँ लेकर आते हैं। आप कौन है भगवान? आपकी ये दशा किसने की है? ये सब क्या है? एक बालक ने हमारी ये दशा की है। हम महाराज पांडु के अतिथि हैं। पांडु के अतिथि? ये सब हुआ कैसे? भगवान, प्रणाम। भगवान, आप कौन हैं और इतनी तीव्र गति से कहाँ जा रहे हैं? मैं योगेंद्र एक विप्र हूँ। महाराज पांडु के यहाँ से मुझे एकादशी निमंत्रण है, मैं वहीं जा रहा हूँ। विप्रवर को देखकर भीम को पिता पांडु की बात स्मरण हो आई। आज विप्रवर की पूजा होगी,
उन्हें भोग लगेगा, तब कहीं प्रातः काल आपको भोजन ग्रहण करने को मिलेगा। तब तक आप हरि भजन करें। मैं चाहूं तो माते स्वयं अपने हाथों से मुझे भोजन कराएगी। असंभव असंभव, माता ऐसा कदापि ना करेगी। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। तो देख लेते हैं आपका बुद्धि कौशल क्यों अर्जुन प्रादा। भीम प्रादा ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो भीम ना कर सके। बालक आप कौन है? तनिक यहाँ ही है ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। छोड़ो, मेरे हाथ खोलो, ऐसा मत करो बालक, ये घोर पाप है। क्षमा करिए कमल दृष्टिदा को, क्षमा करिए। परंतु मैं क्या करता, मैंने माता कुंती और माधुरी के हाथों से भोजन खाने की प्रतिज्ञा ली है। मैं आकर आपको भोजन अवश्य कराऊंगा। और हाँ, मुझे आपके वस्त्रों की जरूरत थी, मैं पुनः आपसे क्षमा मांगता हूँ। और उसने यहाँ बांध दिया। हम महाराज पांडु ही हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम विप्रवर, हम आपको इस अवस्था में देखकर अत्यंत दुखी हैं। आप हमारे साथ हमारी कुटिया में चलिए। भोजन नहीं है क्या? नहीं नहीं विप्रवर, है ना? नियति की नियति है, अनुभक्षण में है भीम मगन। तम बहुत स्वादिष्ट। घन बल भी असीम महाबली भीम महाबली भी, धीरज के घन बल भी असीम महाबली भीम महाबली भी। भोजन ग्रहण कीजिए विप्रवर। माद्री देखो ना, इन्होंने तो हमारे भीम को भी पीछे छोड़ दिया। समाप्त होने वाला है और ये है कि रुकी नहीं रहे, कहाँ ही जा रहा है, कहाँ ही जा रहा है। हाँ दीदी, हम भी वही देख रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, और भोजन नहीं है? है ना विप्रवर, लीजिए। यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे पुत्रों का एकादशी व्रत पूर्ण न होगा। ये भी लीजिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम देवी। महाराज ये कौन? ये विप्रवर हैं, हमने इन्हें ही निमंत्रण भेजा था। किंतु विप्रवर तो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आइए देखिए। लीजिए विप्रवर, और भोजन ग्रहण कीजिए, लीजिए। आप रुक क्यों गए? यही वो बालक है महाराज, और ये मेरे वस्त्र हैं। कौन है ये बालक? बालक आप कौन हैं? और आपने इनके साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया? भीम,
करें पिताश्री, क्षमा करें माताश्री, हमारी दुष्टता क्षमा करने लायक तो नहीं है। पहले तो हम क्या करते, हम विवश थे, हम भूखा नहीं रह सकते थे। परंतु आपने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, यह अति निंदनीय है। आपको विप्रवर से क्षमा प्रार्थना करनी होगी, तभी आपका अपराध क्षम्य होगा। मुझे ज्ञात ना था आप भूखा होने के कारण ऐसा कर रहे हो, अन्यथा मैं कदापि कुपित ना होता। मैं आपसे प्रसन्न हूँ पुत्र, आप तो देव पुत्र हो, आप अनजाने में भी अपराध नहीं कर सकते हो। विप्रवर, आप भोजन ग्रहण कीजिए। आइए मात्री, भोजन लगाइए। मान गए भ्राता, आप तो अद्भुत हो। लाइए दीदी, भोजन हम बना लेते हैं, आप विश्राम कर लीजिए। विश्राम आप कीजिए, सारा कार्य आप ही तो करती है मात्री। ये पांचों पुत्र कितना परेशान करते हैं, परंतु इन्हें आप ही तो संभालती हो। इनके वस्त्र स्वच्छ करना, इनकी देखभाल करना, वन से लकड़ियां लेकर आना, दिन भर कार्य में लगी रहती, और हम केवल महाराज पांडु का भोजन तैयार करते हैं और जल लेकर आते। अतः विश्राम आप कीजिए। माते, पिताश्री के संग हम आ गए। लीजिए, ये भी आ गए, आपके प्रिय नटखट बालक। संभालिए इन्हें, क्योंकि इन्हें संभालना हमारे वश की बात तो है नहीं। वैसे माद्री, कैसे कर लेती हैं आप ये सब? यहाँ दीदी, आप भी बस यूं ही प्रशंसा कर रही हैं हमारी। अच्छा, यूं ही कर रहे हैं। माते, शीघ्र आइए। हाँ हाँ आते हैं, जाइए। जी दीदी। किन विचारों में मग्न है आप? ऋषिवर, क्या आपने देखा महाराज पांडु की दोनों पत्नियों में कितना प्रेम? देवी कुंती देवी माद्री को अपनी छोटी बहन मानती है, और देवी माद्री देवी कुंती से अत्यंत प्रेम करती है। जी मुनिवर, भाग्यवान है महाराज पांडु जो उनको ऐसी पत्नियां मिली, और पत्नियां नहीं उनकी संतानें भी दिव्य है। यदि ऐसा कुटुंब किसी को मिल जाए तो वो 100 वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। किंतु स्त्रियां, स्त्रियां स्त्रियां होती हैं मुनिवर, वो अपना महत्वपूर्ण गुण यानी द्वेष कभी नहीं छोड़ सकती। हो ना हो, देवी कुंती व देवी माद्री के हृदय में कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वेष तो होगा ही। नहीं नहीं मुनिवर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो स्त्रियां नहीं देवी है। किंतु द्वेष सब में होता है मुनिवर। सोचिए, यदि द्वेष को ईर्ष्या में बदल दिया जाए तो प्रेम में ईर्ष्या क्या कार्य करेगी? मैं समझा नहीं। अर्थात बात है मुनिवर, यदि ऐसा हो जाए ना तो आनंद ही आनंद, परम आनंद। तो चलिए प्रयत्न करते हैं। हाँ, चलिए।
चलिए। ऋषिवर, एक बार आप पुनः विचार कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो हम किसी विपत्ति में पड़ जाएं। पुनः विचार वो करते हैं मुनिवर जिन्हें स्वयं पर शंका होती है। आपको पता है इस जीवन में कुछ आनंद दूसरों के साथ लीला करके भी प्राप्त किए जाते हैं। आप केवल लीला कीजिए और आनंद लीजिए। परंतु ये कार्य अनुचित है ऋषिवर, अतः मेरे अंतरात्मा भी मुझे ऐसा करने से रोक रही है। ना जाने भीतर ही भीतर कौन सा भय सता रहा है। देख लो तपन मुनि, कहीं ऐसा ना हो कि ये कार्य करने के पश्चात हमें पश्चाताप करना पड़ जाए। अभी आनंद के बीच पश्चाताप कहां से आ गया मुनिवर। आप चलिए, इस समय कुंती देवी नदी के किनारे जल लेने पहुंच चुकी होंगी, हम उनसे वहीं भेंट कर लेते हैं। किंतु आपको मेरा तन मन से साथ देना होगा, तब आप उस आनंद का आभास उठा सकेंगे। कैसा आनंद? ओ, उस आनंद की अनुभूति के बाद आपके शरीर के रोम रोम में आनंद रस भर जाएगा मुनिवर। और फिर आपने तो कहा था कि वो दोनों देवियां हैं। हाँ हाँ, सत्य ही तो कहा था। यदि वो दोनों देवियां हैं तो हमारे किए गए किसी भी कार्य से उनके भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, और यदि विकार उत्पन्न हो जाता है तो वो साधारण मनुष्य हैं, और साधारण मनुष्य के साथ मुनिवर ये रोना धोना सुख दुख लगे ही रहते हैं। आप चिंता न कीजिए, लीला कीजिए और आनंद लीजिए। चलिए चलिए। हाँ हाँ चलिए। जय श्री हरि कुंती देवी। जय श्री हरि ऋषिवर। अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। धन्यवाद। हम तो यहाँ से जा रहे थे, आपको देखा तो सोचा भेंट कर लें। आपका बहुत बहुत आभार ऋषिवर। देवी कुंती, कितनी भोली हैं आप और उदार भी। किंतु हर कोई आपके समान नहीं होता। दुनिया बड़ी चालाक है देवी कुंती, और आप ठहरी सीधी सादी सच्चाई की एक देवी तुल्य। आप जैसे मनुष्यों से लोग मनमाना व्यवहार कर जाते हैं और उन्हें भान तक नहीं होने देते कि वो कर क्या रहे हैं। हमें तो देखकर बड़ा दुख होता है देवी। ये सब आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऋषिवर, अब आप ही कुछ समझाइए इन्हें। मैं ऋषिवर मैं क्या बताऊं देवी कुंती को। आप घबराइए नहीं, जो भी सच्चाई है आज बता ही दीजिए। सच्चाई? कैसी सच्चाई ऋषिवर, हमें बताइए। हाँ हाँ देवी, सत्य है, सारी लड़ाई स्वार्थ की है देवी। और देवी कुंती ठहरी निस्वार्थ, परंतु ये जो देवी माद्री है ना, वो बहुत स्वार्थी है। ये मेरे मुख से क्या निकल गया, किंतु जो भी निकला है ना देवी, वो पूर्ण सत्य है। और आप हर बात से अनजान है। कितनी भोली हैं आप जैसी देवी कहां मिलेगी। और देवी माद्री को पुत्र प्राप्ति का मंत्र आपने ही तो दिया था, आज वो मां बनी है तो केवल आपके कारण। और वो आपके बच्चों से द्वेष रखती है, उन्हें हे दृष्टि से देखती है। सब आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर,
कृपया ऐसा मत कहिए। हम सत्य कह रहे हैं देवी कुंती। देवी माद्री सोचती हैं कि आपके पुत्र उनके पुत्रों से अधिक बलशाली हैं, अधिक बलवान हैं, और उनके पुत्रों को आपके पुत्रों की जीवन भर सेवा करनी पड़ेगी। यही उनके द्वेष का कारण है। कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि झूठन खिलाई जाती है आपके बच्चों को। कौन झूठन खिला रहा है मेरे बच्चों को? देवी कुंती और कौन? माताश्री, हम बस जा ही रहे थे भोजन ग्रहण करने। अब तक युधिष्ठिर, अर्जुन और भीमराता ने भोजन ग्रहण कर लिया होगा। हम उनके झूठे पात्रों से ही भोजन करते हैं। भीम के समक्ष कोई दुष्ट आ सकता नहीं। सहस्र गजबल बराबर बच के जा सकता नहीं।